आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट दिस। हमारे पास डायपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम अप इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अ पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी इंटेंसिटी भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या क्या है, एक बार सारे डेटा देख लेते हैं। डायलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे पास दे रखा है 3.2 × 10⁻¹⁸, ठीक है, सी एम। अच्छा, और क्या दे रखा है हमारे पास, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है, विच इज़ 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो ये दो डेटा है, और हमें क्या बोला है कि हम लोग इसको कहाँ से कहाँ चेंज करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो चलो पता करते हैं इसमें क्या होने वाली है वैल्यूज। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज बेसिकली पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। ठीक है, जहाँ पे थीटा 1 है कि आपने कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन, और थीटा 2 होती है फाइनल। तो हमें मुझे पता है कि हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया, स्टेबल का मतलब थीटा 1 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, इसी में मेरा जो इक्विलिब्रियम वो स्टेबल होता है, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, क्योंकि 180 में भी इक्विलिब्रियम होता है लेकिन वो अनस्टेबल वाला होता है। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ हैं, अब सिर्फ पुट करना बचा है। तो पी की जगह वैल्यू डाल दो 3.2 × 10⁻¹⁸, ई की जगह वैल्यू डाल दो 10⁴, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, थीटा 1 0 डिग्री था और थीटा 2 जो है वो 180 डिग्री था। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेसिकली 3.2 × 10⁻⁴, कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस 180 होता है -1, ठीक है। तो ये बेसिकली अंदर 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो गया 6.4 × 10⁻⁴ जूल्स। तो ये रहा वर्क डन, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।